मध्य प्रदेश विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र से पहले दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि देने के बाद शुक्रवार तक लिए स्थगित कर दिया गया। शुक्रवार को आरक्षण पर अनुमोदन होना है। बता दें कि संविधान के 126वें संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में 10 और 12 दिसंबर को पारित किया गया है और बाद में इसे अनुमोदन के लिए राज्यों को भेजा गया है। इसे लागू करने से पहले कम से कम 50% विधानसभाओं की सहमति जरूरी है। यह विधेयक इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि आरक्षण की अवधि 25 जनवरी को समाप्त हो रही है। देश की 50% विधानसभाओं द्वारा अनुमोदन मिलने के बाद इसे राष्ट्रपति को भेजा जाएगा और उनकी स्वीकृति मिलने के बाद ये कानून बन जाएगा। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं जिनमें से 4 एससी और 6 एसटी के लिए आरक्षित है, जबकि प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटों में से 35 सीटें एससी और 47 सीटें जो है वो एसटी सदस्यों के लिए आरक्षित है।